हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं आज। आपको बता दें कि रामपुर, अलीगढ़, सहारनपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि प्रशासन ने की है पूरी तैयारियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज, योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं आज। रामपुर, अलीगढ़, सहारनपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि प्रशासन ने पूरी कर ली है तैयारियां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इससे क्या चुनावी समीकरण बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में गए थे, उसके बाद अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 11 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, तो वहाँ पे भी अब उनका जो है कहीं न कहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करना एक जरूरी होता है, क्योंकि संगठन का जो दायित्व तो है उसको भी निर्वहन करना होता है। और वहाँ पर इसीलिए आज उन्होंने लगातार 3 जिलों में रैलियाँ, जैसे रामपुर में जो है बीजेपी प्रत्याशी, और जो गंगो सहारनपुर जिले में जो गंगो सीट है उस पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो आज प्रचार करेंगे, और इगलास जो बात की जा रही है कि अलीगढ़ में जो इगलास विधानसभा सीट पे उपचुनाव है उस पर आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज वो चुनाव रैली करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। जनसंपर्क भी कार्यक्रम रखा गया है, वो करीब 12 बजे यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद वहाँ पर लगातार 3 जिलों में एक साथ रैलियों करते हुए उसके बाद फिर वापस आएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए कुछ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, जो महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, स्टार प्रचारकों में भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, तो स्टार प्रचारक के तौर पे इनको क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा भी जाना पड़ता है, इसलिए उनके पास जो समय मिला है उसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसको आज वो उन रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती है, क्योंकि सूबे के मुखिया भी हैं, तो इस वजह से अगर वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बदलता है, क्योंकि जो सरकार की योजना है उसको जरूर वहाँ पे बताएंगे कि जनता के बीच जो सामंजस्य है, सरकार को कैसे बैठाया जा रहा है, तो एक समीकरण बदलने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं प्रबल दिख रही है। और अब रैली होने के बाद जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट साफ हो जाएगा। जी, बीजेपी की तरफ से चाहे मोदी हो या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है? ये लोग क्योंकि लगातार रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष कहां ठहर रहा है? देखिए, आपको बताएं कि विपक्ष से क्योंकि अभी बसपा सुप्रीमो मायावती के एक भी चुनावी रैली, अब जो चुनाव होने हैं एक भी जगह पे अभी तक उन्होंने अभी रैलियां नहीं की हैं, और अखिलेश यादव अब रामपुर जाने वाले हैं और झांसी का जो मुद्दा उठाया था उन्होंने उसी के सहारे अभी चल रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अभी कमजोर दिख रहा है। और अगर बात की जाए कि वो कांग्रेस की, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, हालांकि जिलों में जाके दौरा कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव जो हो रहे हैं वहां पे प्रत्याशियों के पक्ष में जाके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता विपक्ष का अभी तक जो है इस समर में कूदा नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुरुआत करने जा रहे हैं एक सत्ता पक्ष के तौर पे, और अखिलेश यादव भी रामपुर में जो आजम खां, सांसद आजम खां की जो पत्नी है उनके पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। तो अब विपक्ष अभी अखिलेश का नाम चल रहा है, बाकी और किसी बड़े नेता का नाम विपक्ष में नहीं आया है कि जो जाके इस उपचुनाव में जाके अपना प्रचार प्रसार अपनी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए कर सके। कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। आपको बताए कि लगातार योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। रामपुर, अलीगढ़, सहारनपुर में भी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे।